बहुत से लोग यह बोलते हैं कि अगर आपको मुद्रा लोन लेना होता है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस दिखाना होता है, दुकान दिखानी होती है, या फिर कोई भी आपको जॉब दिखानी होती है। लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं दिखाई, ना हमने जॉब दिखाई, ना हमने बिजनेस दिखाया, ना हमने दुकान दिखाई। बस हमने मोबाइल फोन से अप्लाई किया और अप्लाई करते ही हमारा जो 50,000 रुपए का मुद्रा लोन है वो डायरेक्ट सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ गया है और हमारा यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है। आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस और नीचे लिखा हुआ है योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड और नीचे लिखा हुआ है लोन अमाउंट ऑफ ₹50,000 क्रेडिटेड टू योर सेविंग अकाउंट नंबर और आगे हमारा अकाउंट नंबर है और नीचे हमारा यहां पर लोन अकाउंट जो खुला है उसका जो लोन का अकाउंट नंबर है वो हमें यहां पर बताया हुआ है कि आपका जो पैसा है वो ₹50,000 वो आपके सेविंग अकाउंट में आया है और जो जिस तरफ से आपको लोन मिला है उस वाले लोन का जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहां पर बताया हुआ है। अगर आप नीचे नीचे देखोगे तो आपको यहां पर मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर आपको अपने मोबाइल फोन में कंप्यूटर में आपको ओपन करना है और वहां पर आपको गूगल में जाके सर्च करना है SBI ई मुद्रा लोन। यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने SBI की एक लिंक आएगी, ई मुद्रा .sbi.co.in। आपको इस वाली लिंक पर आ जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इसी वाली लिंक पर आना है। इसके अलावा अगर आपको किसी और लिंक के लिए बोला जाए या फिर आपके सामने और लिंक आए तो आपको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि इसके नाम से बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट चल रही हैं जिनमें अगर आप अपनी डिटेल्स डालते हैं वहां से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर दोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो आपको ई मुद्रा लोन मिलेगा उसकी जो विशेषताएं हैं और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आपको यहां पर बताए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आप लघु माइक्रो उद्यमी होने चाहिए, मतलब यहां पर आप एक लघु उद्यमी होने चाहिए अगर आपके पास कोई रोजगार है। अगर नहीं है तो भी आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, आपको उस वाले प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपके पास कोई भी धंधा नहीं है, आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है तो भी आपको यह वाला लोन मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना हो। इसके अलावा आप यहां से ₹1,00,000 तक का अधिकतम लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप यहां पर 50,000 से ज्यादा का लोन लेते हैं तो आपको उसके लिए बैंक जाना होगा, आपका लोन ऑनलाइन नहीं होगा। इसके अलावा यहां पर जो आपको लोन मिलेगा उसकी जो अवधि रहेगी वो 5 सालों की रहेगी। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि आपको अगर ₹50,000 तक का मुद्रा लोन चाहिए तो वो यहां पर इंस्टेंट तुरंत ही हो जाता है, उसके लिए आपको बैंक नहीं जाना होता है। और नीचे लिखा हुआ है अगर आपको 50,000 से ज्यादा का मुद्रा लोन चाहिए तो उसके लिए आपको फिर बैंक जाना होगा, शाखा के अंदर जाना होगा और वहीं से आपको अप्लाई करना होगा, उसी के बाद आपको यहां पर लोन मिल पाएगा। अगर आप यहां पर राइट की तरफ देखोगे तो यहां पर इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आपको यहां पर बताए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर आपको अपना जो बैंक खाता है, चाहे वो बचत खाता हो या फिर चालू खाता हो, उसका जो डिटेल्स है वो आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं उस वाले बिजनेस का आपके पास प्रमाण पत्र है वो आप यहां पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर जो भी आप करते हो और आपके पास किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी आप यहां से लोन ले सकते हो। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो वाला आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आपको जो भी आपकी कास्ट है उसका डिटेल्स आपको देना होगा, यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपसे GST नंबर एंड उद्योग आधार के लिए बोला जाएगा, लेकिन ये चीज भी यहां पर मैंडेटरी नहीं है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको लोन लेने के लिए डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, और ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल नंबर लिंक हो और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक के साथ भी लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड है वो भी बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपका बैंक अकाउंट है SBI बैंक के अंदर, उसके अंदर आधार कार्ड लिंक
लिंक है, आपका पैन कार्ड लिंक है, आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो अब आप यहां से एसबीआई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई करने के लिए इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओके का, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, अभी आपसे यहां पर लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा। यहां पर आप इंग्लिश हिंदी अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने यहां पर मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है। अब आपको यहां पर वह वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है। आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद जो ये कैप्चा कोड आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला कैप्चा कोड आप यहां पर एंटर द कैप्चा इस वाले बॉक्स में डालेंगे सेम टू सेम। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहां पर जो मोबाइल नंबर डाला है उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वह वाला ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालते ही आपका यहां पर प्रोसेस आगे खुल जाएगा। उसके बाद यह आपसे यहां पर आधार नंबर मांगेगा, आप यहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे जो आधार नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस वाले मोबाइल पर एक फिर से एक ओटीपी जाएगा, वह वाला ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालते ही अब आपको यहां पर आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वह वाला बैंक अकाउंट नंबर आपसे यहां पर मांगा जाएगा, वह वाला बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालते ही यह अब आपसे यहां पर पूछेगा कि आपको यहां पर कितने रुपए के लोन की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर आप लास्ट 50,000 रुपए का जो लोन है वो ऑनलाइन ले सकते हो। अगर आप 50,000 से ज्यादा का लोगे तो आपको बैंक जाना होगा, तो यहां पर आपको 50,000 लिख देना है और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसका जो सेक्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि यह जो पैन कार्ड है वो हमारा बैंक के साथ लिंक है। अगर आपका पैन कार्ड बैंक के साथ लिंक नहीं होगा तो आपको ऑनलाइन लोन नहीं मिलेगा, पहले आपको लिंक करवाना होगा, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड नंबर आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, अब आपको यहां पर प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करना है और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट हाई स्कूल वो आपको यहां पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस भी घर में रह रहे हैं वो घर आपका खुद का है या फिर आप रेंट पर रह रहे हैं या फिर आपके माता पिता का है। तो यहां पर जो भी आपका घर है उसको ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो अगर आप यहां पर जॉब करते हैं तो भी आपको यहां पर अपनी मंथली इनकम देनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कुछ भी नहीं करते हैं और अगर आपका खाता एसबीआई बैंक के अंदर है और आप उससे मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको यहां पर अपनी मंथली इनकम देनी है, क्योंकि अगर आप मंथली इनकम नहीं दोगे तो आपका यहां पर लोन अप्रूव नहीं होगा। तो यहां पर आपको आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको यहां पर 30,000 रुपए से लेकर 50,000 के बीच में आपको डाल देनी है। उसके बाद इनकम डालने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो फैमिली है आपकी फैमिली के अंदर आपके ऊपर कितने मेंबर डिपेंडेंट है। तो यहां पर जितने मेंबर आपके ऊपर डिपेंड है अपनी फैमिली के अंदर उन वाले नंबर की जो संख्या है वो आपको यहां पर डालनी है 1, 2, 3, 4 इसी हिसाब से। उसके बाद अब आपके सामने सेक्शन आएगा कम्युनिटी डिटेल्स का, अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सोशल कैटेगरी का, अब आपको प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके जो भी आपकी कास्ट है उस वाली कास्ट को आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने आपका जो बिजनेस डिटेल्स है उसकी जो डिटेल्स है वो डालने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप बिजनेस करते हो उसकी डिटेल्स आपको डाल देनी है। अगर आपके पास किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ भी नहीं करते और आप लोन लेना चाहते हो, तो भी आपको यहां पर अपने हिसाब से कोई ना कोई एक बिजनेस की डिटेल डालनी है। अगर आप बिजनेस की डिटेल नहीं डालोगे तो भी आपका यहां पर लोन अप्रूव नहीं होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले कोई भी एक बिजनेस नेम अगर आप करते हो तो आपको उसी वाले बिजनेस का नेम यहां पर डालना है। अगर आप नहीं करते तो आप कोई भी यहां पर एक ऑनलाइन बिजनेस दिखा सकते हो। उसके बाद आपने अपने बिजनेस को कब स्टार्ट किया तो उसकी जो डेट है वो आपको यहां पर डालनी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस है वो कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक पुराना होना चाहिए, अगर इससे कम है तो आप यहां से लोन नहीं ले सकते। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहां पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है और जो भी आपका बिजनेस है जहां पर भी आपका बिजनेस है उस वाले बिजनेस का जो करंट एड्रेस है वो वाला एड्रेस आपको यहां पर डाल देना है, पिन कोड डालना है, एड्रेस डालना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट
वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग, कोई भी आप बिजनेस अपने हिसाब से दिखा सकते हो। जैसे किसी का अगर बिजनेस नहीं है तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग दिखा सकता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो भी आप बिजनेस करते हो उसकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया, और ट्रेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हमने हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर दिखा दी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो आपका खुद का है या फिर आपने रेंट पर ले रखा है या फिर वो लाइसेंस्ड है। तो यहाँ पर आपको ओन्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है क्या वो गवर्नमेंट के साथ ऑथराइज्ड है। तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हो और यस भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करते हो तो यहाँ पर आपके बहुत कम चांस हो जाते हैं लोन अप्रूव होने के। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है जीएसटी का, ग्राम पंचायत का, उद्योग आधार का, तो वो यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके, फोटो क्लिक करके उसको आप यहाँ पर पीडीएफ, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो जो भी आपने यहाँ पर बिजनेस डाला है उस वाले बिजनेस की जो डिटेल्स है सेल्स वगैरह की वो अब आपको देनी है। जैसे आपने यहाँ पर अपना बिजनेस डाल दिया तो उस वाले बिजनेस का लास्ट 12 मंथ में कितना सेल हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, उसका जो प्रॉफिट कितना निकला है वो वाला यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डाल देना है। जो भी आपका सेल्स हुआ है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्स यहाँ पर उसी हिसाब से डालना है जिस हिसाब से आपने अपनी सैलरी डाली है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो वाला प्रॉफिट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस अकाउंट नंबर है, जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपने डाला है वो यहाँ पर बता देगा, इसी वाले बैंक अकाउंट में आपका लोन का पैसा आएगा। नीचे बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल सही होने के बाद डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपका जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है योर लोन हैज बीन सैंक्शन विद फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब आपका जो लोन है वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका जो लोन है वो यहाँ पर 50,000 रुपए का सैंक्शन हुआ है। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा इस वाले लोन पर वो आपका 9.5% लगेगा। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा उसका जो अवधि बताया गया है, मतलब लोन आपको कितने महीनों के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो लोन मिल रहा है वो आपको यहाँ पर 60 महीनों के लिए मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर जो लोन मिल रहा है वो आपको 5 सालों के लिए मिल रहा है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपकी जो हर महीने की किस्त आएगी वो आपकी यहाँ पर 1,128 रुपए आएगी। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करके बताई हुई है कि यहाँ पर कितने रुपए का आपका लोन पास हुआ है, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितने महीनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, और आपकी हर महीने कितने रुपए की किस्त आएगी। अगर आप इस चीज को डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू डाउनलोड का, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, और इस वाली पीडीएफ में जो भी आपका लोन का डिटेल्स है वो यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको बताया हुआ है। यहाँ पर जो भी आपका लोन का एग्रीमेंट फॉर्म है वो वाला फॉर्म आपको यहाँ पर कंप्लीट फिल करके बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्म को भी आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में इस वाले लोन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको यह वाला फॉर्म बहुत काम आएगा। तो इस वाले फॉर्म को आपको सेव करके रख लेना है। उसके बाद अब आपको आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का आइकन मिलेगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू ई साइन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने सिग्नेचर पैनल वाला जो सेक्शन है वो आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो फॉरम मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डाउनलोड करके रख लेना है, वही वाला फॉरम आपको एक बार फिर से यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने ये वाला फॉरम डाउनलोड नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो फॉरम है वो आपके बहुत काम में आएगा। जब भी आपको लोन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो इसी वाले फॉरम से आपके लोन की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद आपको राइट की तरफ देखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार बेस्ड सिग्नेचर पैनल, और नीचे आपका रिमार्क लिखा हुआ है, और नीचे जो भी आपका नेम है आधार कार्ड के अंदर वह वाला नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ई साइन थ्रो ओटीपी का, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने एनएसडीएल ई साइन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चेकबॉक्स का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जिस भी कैंडिडेट का आपने लोन अप्लाई किया है उसका जो भी आधार नंबर है वह वाला आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी डालते ही आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ओटीपी का, आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है थैंक यू, और नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय यूजिंग योर आधार क्रेडेंशियल,
प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो मुद्रा लोन अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, और नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो 50,000 रुपए है वो इंस्टेंटली आपका जो नीचे बैंक अकाउंट नंबर बताया हुआ है इसमें तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर प्रोसीड कर दोगे। तो हमें यहाँ पर लोन तो लेना ही है, तो हम क्या करते हैं जल्दी से यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और यहाँ पर आपका जो भी 50,000 रुपए है वो इंस्टेंटली आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मैसेज भी मिल चुका है, हमारे अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव भी हो चुका है। और